बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ सम लेकर आया हूं। आशा करता हूं ये आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा ले, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, बिना देर के मैं शुरू करना है। फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए सम है 0.0054 मल्टीप्लाई बाय 0.54। दोस्तों, जब इसको मल्टीप्लाई आपको करने को आता है तो आप इसे लॉगरिथम मेथड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आप लिखते हैं, इसका फॉर्मूला काम करता है, एंटीलॉग एल लिखें, लॉग लगा करके इसका पूर्णांक देखना है, लॉग लगा करके जितना नंबर दिया वो लिखना है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस का साइन आ जाएगा और लॉग लगाकर नेक्स्ट नंबर लिख देंगे 0.54। एंटीलॉग एल एंटीलॉग ब्रैकेट में, अब पूर्णांक देखना है तो पॉइंट के पहले जीरो है माइनस वन और पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं लगातार में जो जीरो आएंगे उनको पॉइंट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री पूर्णांक हो जाएगा माइनस थ्री। फिर आपको लॉग जब देखा जाता है तो दोस्तों लॉग 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 99 तक लॉग की वैल्यू आपको देखने को आती है। तो फर्स्ट नंबर आप क्या करेंगे 54, अब चूंकि इसके बाद लॉग 10 से शुरू होता है तो आपको 54 के जीरो में देखना है, लॉग टेबल में 54 का जब जीरो आप देखते हैं तो आपको 7324 देखने को नंबर मिलता है, उसको पॉइंट के बाद में लिख देना है, प्लस का प्लस लगाना है। फिर पॉइंट के पहले यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो आप जीरो मानते हैं, पॉइंट के पहले जीरो रहेगा वो माइनस वन, पॉइंट के पहले जीरो रहेगा तो पूर्णांक क्या बनेगा माइनस वन, यहाँ पर वन बार इससे लिखा जाएगा, वन लिखकर ऊपर बार लगा दे, ये माइनस का सिंबल होता है तो यहाँ पर वन बार। अब क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के पहले वन बाद में टू जीरो दिया था इसलिए इसे हमने टोटल कितना लिखा थ्री बार लिखा, तो यहाँ लिखेंगे वन बार पॉइंट। अब आपको 54 का जीरो देखना है, 54 के जीरो में वैल्यू आएगी 7324। अब आपको इनको प्लस कर देना है तो 4 + 4 8 2 + 2 4 3 + 3 6 7 + 7 14 का 4। अब चूंकि कैरी वन बचा आपका, ये वन प्लस का है और आगे जो आपके नंबर है वो दोनों पर बार लगा हुआ है तो ये माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 हो गया, लेकिन अभी आपके पास प्लस का जो 1 बचा है उसको माइनस 4 में से प्लस 1 लेस हो जाएगा तो आपके पास माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 बार लगा, 3 बार पॉइंट 4648। अब दोस्तों इसका आपको देखना है एंटीलॉग, तो एंटीलॉग टेबल में हमेशा पॉइंट के बाद वाले नंबर की वैल्यू देखी जाती है, पॉइंट के बाद में जो नंबर है 46 एंटीलॉग टेबल प्रति लघुगुणक सारणी में आप 46 का कॉलम नंबर 4 में वैल्यू देखें और मेन डिफरेंस बाद में आपको दिया होगा जिसमें आपको 8th कॉलम में देखते हैं, तो 46 के 4 और मेन डिफरेंस 8 में आप टेबल में ये नंबर देखते हैं। तो एंटीलॉग टेबल में दोस्तों देखें प्रति लघुगुणक सारणी, प्रति लघुगुणक सारणी में 46 का कॉलम नंबर 4 देखते हैं तो इसमें आपको नंबर मिलता है 29 11 और कॉलम नंबर 8 में देखते हैं 29 11 8 में आपको मिलता है 5, 29 11 में आप क्या 5 को प्लस कर देते हैं
तो आपका आ जाता है क्या नंबर 29 16 लिख दिया। अब यहाँ पर जो पूर्णांश है वो 3 बार दिया है, जब ये 3 के ऊपर बार लगा होता है तो दोस्तों आपको करना क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर एंटीलॉग देखने के बाद फॉर्मूला काम करेगा n प्लस 1, तो यहाँ n मीन्स पूर्णांश प्लस 1, तो माइनस 3 में प्लस 1 प्लस करते हैं तो आपके पास बचता है माइनस, क्योंकि माइनस आता है तो जितना भी यहाँ पर पॉइंट के पहले लिखा है कितना बचा, प्लस 1 करने के बाद 2 बचा, तो यहाँ आपको यदि माइनस में बचता है तो पॉइंट के बाद में जितना बचेगा उतने जीरो आपको लगाना है। अब चूंकि एम प्लस 1 करने से क्या बचा आपका, माइनस का 2, तो पॉइंट के बाद में 2 0, पॉइंट के बाद में 2 0 2 0 आपको इस और जो वैल्यू आई है उसके लेफ्ट हैंड साइड 2 0 लगा देना है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो इसमें आपको एक नंबर दिया है 64 का पावर 3। तो दोस्तों पहली चीज तो ये कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करना है, लॉग जब यूज करते हैं तो पावर सामने आ जाती है, इसके बाद आपको लिखना है लॉग और नंबर को लिखना है बाद में 64। तो दोस्तों 3 का 3 फिर 64, चूंकि ये पूर्णांश कितने जितना डिजिट है, यहाँ फॉर्मूला काम करता है n माइनस 1, पूर्णांश बनाने के लिए फॉर्मूला काम करेगा n माइनस 1, यहाँ पर 2 डिजिट है, डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट काम करना है 2 डिजिट, 6 और 4 मिलकर कितना डिजिट हुआ 2 डिजिट है, 64 में कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो फॉर्मूला n का मीन्स होगा यहाँ 2 माइनस 1 तो आपका पूर्णांश हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर आपको लॉग टेबल में 64 का 0, लॉग टेबल में 64 का 0 देखते हैं, 64 लॉग टेबल में आप नंबर देख लें 64 का कॉलम नंबर 0, इसमें आता है 80 82 एट 0 6 2, इसमें आपको वैल्यू दे रखी है कितना एट 0 6 2, इस तरीके से दोस्तों आपका आ गया 80 62। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 2 6, इसके बाहर आपको एंटीलॉग बाहर क्या लिखना है, ब्रैकेट के बाहर ए एल एंटीलॉग के लिए, तो ब्रैकेट के बाहर आएगा ए एल एंटीलॉग, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 3 6 18 का एट कैरी 1, 3 0 जो 0 लेकिन 1 आया तो 1, और 3 8 24 का 4 कैरी आउट 2, 3 बन जा 3 और 2 5, पॉइंट आप लगाएंगे 4 डिजिट पीछे छोड़कर पॉइंट आ गया, ये नंबर आपका आया। अब आप इसका एंटीलॉग देखेंगे पॉइंट के बाद वाले डिजिट का, पॉइंट के बाद वाले डिजिट का एंटीलॉग देखते हैं तो आपको देखना है 41 का एट वैन डिफरेंस 6, लेकिन प्रति लघुगुणक सारणी में, मीन्स एंटीलॉग टेबल में आप देखते हैं 41 का एट वैन डिफरेंस 6, एंटीलॉग टेबल में 41 का एट आएगा 26 18 मैन डिफरेंस 6,
मैन डिफरेंस 6 में अगर आप देखते हैं तो आपको नंबर आप मिलता है इसका 4, 26 18 में आप जोड़ देते हैं कितना 4, 26 18 में 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है कितना 26 22, आपका आ जाएगा 26 22। अब देखना है दोस्तों यहां पर आपको पूर्णांक कितना दिया है, इस पॉइंट के पहले जो दिया है पॉइंट के पहले डिजिट दिया आपको 5, तो ये आपका पूर्णांक होगा। 5 में कितना प्लस करना है, फॉर्मूला काम करता है यहां पर n, जब आप प्रतिलघुगणक देख लेते हैं तो यहां पे काम करेगा n प्लस 1, n मींस पूर्णांक, पूर्णांक कितना दिया 5, 5 में प्लस करेंगे 1 तो होगा कितना 6। अब आपको आगे से 6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, फिफ्थ नंबर पर कोई डिजिट नहीं होने के कारण 0 हो गया फिफ्थ और 6, ऐसे कितने डिजिट छोड़ना है n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 डिजिट छोड़ना है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट लग जाएगा यहां पर, तो आपका आंसर बन जाएगा 2 6 2 2 0, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आपका हो गया सेकंड टाइप का सम। थर्ड, इस तरह के आप कोई भी सम ऐसे कर सकते हैं। थर्ड सम हम देखेंगे अब रूट से रिलेटेड सम।